अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों भाइयों, आज मैं आपको मोबाइल के मैसेंजर के बारे में मालूमात देता हूँ जो कि नई अपडेट है। आज का टाइटल, गलत मालूमात और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए फेसबुक का बड़ा इकदाम। समाजी रबते की मारूफ वेबसाइट फेसबुक ने व्हाट्सएप के बाद मैसेंजर में भी फॉरवर्ड मैसेजेस की तादाद महदूद कर दी। फेसबुक इंतज़ामिया के इस इकदाम का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैलने वाले गलत मालूमात और अफवाहों को रोकना है। मैसेंजर में तब्दीली रवां बरस मार्च में की गई थी, जिस पर अमल दरामद अब शुरू हो गया है। इस तब्दीली के बाद कोई मैसेज एक वक्त में 5 ग्रुप्स या अफराद से ज़्यादा ग्रुप्स या लोगों के साथ शेयर नहीं किया जा सकेगा। इंतज़ामिया का कहना है कि इस तब्दीली के बाद अफवाहों और गलत मालूमात के फैलाव की रफ्तार सुस्त करने में मदद मिलेगी। कंपनी का मजीद कहना था कि इसने अपने प्लेटफॉर्म से कुछ वक्त पहले ही 70 लाख ऐसी पोस्टें डिलीट की हैं जो कोरोना वायरस से मुतल्लक गलत मालूमात फैला रही थीं। ख्याल रहे कि रवां बरस अप्रैल में व्हाट्सएप में भी ऐसी ही तब्दीली की गई थी, जिसके बाद व्हाट्सएप सारिफिन कोई भी मैसेज एक वक्त 5 अफराद या ग्रुप से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों भाइयों, फेसबुक वेबसाइट की तरफ से ये एक अच्छा इकदाम है। दोस्तों भाइयों, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों भाइयों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुझे अच्छे कमेंट्स देंगे ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सकेगी और आइंदा के लिए मैं आपको इससे बेहतरीन वीडियो पेश कर सकूंगा। दोस्तों भाइयों, अपना दोस्तों सबका ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।